नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस टायर 2 का मार्क्स आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है तैयारी गवर्नमेंट जॉब के चैनल के माध्यम से आपको आज बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, एसएससी एमटीएस टायर 2 का मार्क्स आउट हो चुका है। तो चलिए विशेष डिटेल जानकारी हम लोग की ओर बढ़ते हैं कि जी हाँ, मार्क्स आउट हुआ है तो क्या है क्या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी मार्क्स हो जाए तो डिटेल मार्क्स की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया क्या फाइनल रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 2016 अपलोडेड मार्क्स इन पेपर 2। जो पेपर 2 का मार्क्स यहाँ पे एसएससी ने जो कंडक्ट कराया था 2016 का जो एग्जाम था, जो री एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बहुत कट ऑफ लो गया, उसके बाद फिर एसएससी ने सभी लोगों के लिए टायर 2 का एग्जाम बुलाया। एग्जाम होने के बाद फिर से उन्होंने एक कट ऑफ फ्रेश कट ऑफ निकाला, जो बहुत ही दिक्कत भी में अपर गए थे बहुत से कैंडिडेट्स। अगर उतना हाई कट ऑफ निकालना था तो फिर बाद में, मतलब कि पहले क्यों इतना लो कट ऑफ निकाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ एवर मेंशन एग्जामिनेशन 28 अप्रैल को ही फाइनल रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जाता। और ये मेंशन किया गया था रिजल्ट में के राइटअप में कि मार्क्स ऑफ द क्वालिटी फील्ड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन पेपर 2 विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑफ ड्यू ऑफ कोर्स। जैसे कि दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया क्या है, टोटल ऑफ 159,182 कैंडिडेट अपीयर हुए थे पेपर 2 में, जिनमें से आउट ऑफ दिस 13 कैंडिडेट जो है वो डिवाइड कर गए, मतलब उन्हें बाहर कर दिया गया। एंड 220 कैंडिडेट ऐसे फाउंड गए जो डाउटफुल थे और वेरिफिकेशन के लिए उसके पीछे लगाया गया, जिनमें से 127 कैंडिडेट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत ही धांधली इसमें भी चली थी। तो देखिए क्या हुआ फाइनली इसमें। फाइनली एसएससी ने एक लिंक प्रोवाइड किया है जो ऊपर में दिया गया है, यहाँ पे वो लिंक मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वो क्या लिंक है यहाँ पे। तो जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ वो मैं लिंक आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए लिंक आपके स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये लिंक है। इस लिंक पे जाके आप अपना डेट और रोल नंबर के जरिए अपना सारा डिटेल रिजल्ट चेक कर सकते हैं टायर 2 का। इसका डिटेल लिंक मैं अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे लेकर मैं आया था यही आप लोगों के सामने कि एसएससी ने यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे रिजल्ट को चेक करना है वो भी मैं आपको चेक करके भी बताऊँगा। तो देखिए क्या प्रोसीजर है रिजल्ट चेक करने का, जी हाँ क्या प्रोसीजर रिजल्ट चेक करने का वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। जी हाँ, तो आप जैसे कि देख रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे अपना वो सारे रिजल्ट्स। जी हाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, सबसे पहले मैं आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करा देता हूँ। तो यहाँ पे एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे है, इन्होंने मेंशन किया है पहले यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे देखिए माउस दिख रहा होगा आपको, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ खुलता है, उसे वहाँ हम ना खोलेंगे। खोलने के बाद वही जो पीडीएफ जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ उसमें लिखे हैं, और उसके बाद जो लिंक जो मैंने बोला था वो लिंक ये है, यहाँ पे एक जूनियर इंजीनियर का है और एक एसएससी एमटीएस का है। तो एमटीएस पे क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा बॉक्स में यहाँ पे डालना है। कैप्चा बॉक्स में डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो आपका मार्क्स आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको शो कर दिया जाएगा। डिक्लेयर तो हो चुका है, आपको मार्क्स इसमें शो कर दिया जाएगा। तो आज का बड़ा न्यूज़ यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और ये सबसे बहुत ही बड़ी न्यूज़ आप लोगों के सामने लाया हूँ कि एसएससी टायर 2 ने मार्क्स अपना रिजल्ट को, टायर 2 का जो एग्जाम एमटीएस का हुआ था 2016 का, वो मार्क्स रिलीज कर दिया। तो अपना सभी जो जो एग्जाम दिए वो अपना मार्क्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।